आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। गर्मी के साथ आग लगने की घटनाएं भी आए दिन हो रही हैं। रविवार रात से आग लगने का सिलसिला सोमवार दोपहर तक बना रहा। सदर में न्यू आगरा क्षेत्र में ग्रीन गैस लाइन के साथ सदर और सिकंदरा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित शिव फैक्ट्रियों में हुए अग्निकांड से लाखों का नुकसान हुआ है, जबकि 3 कर्मचारी झुलस गए। गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाएं आए दिन हो रही हैं। जहां शहर में रविवार को आग लगने का सिलसिला शुरू हुआ तो वह सोमवार दोपहर तक जारी रहा। एक एक कर कई स्थानों पर हुए अग्निकांड के चलते दमकलों के साथ फायर कर्मियों को इधर से उधर दौड़ लगानी पड़ी। सिकंदरा इंडस्ट्रियल एरिया में कृष्णलाल एंड सन्स फैक्ट्री में आग लग गई। सूर्यनगर के रहने वाले नितिन मकीजा की इस फैक्ट्री में जूते में लगने वाले कपड़े का काम होता है। सोमवार सुबह सिक्योरिटी गार्ड ने तीसरी मंजिल पर धुआं निकलते देखा तो मालिक को सूचना दी। आग की खबर पर फायर कर्मियों के साथ FSO अमर सिंह पाल पहुंच गए। फायर कर्मियों ने आग को बुझा लिया। ये कुछ पता नहीं चल पा रहा है, या तो शॉर्ट सर्किट से हुई है या कैसे हुई है। थर्ड फ्लोर पे कपड़ा रखा रहता है तो उसमें आग लग गई। सुबह 8 बजे जब गार्ड ने आगे खोला है इसको तो उसने बताया ऊपर धुआं आ रहा है, तो उसमें पता लगा कि नीचे आग लगी। नहीं, कर्मचारी नहीं था, कोई गार्ड ही था सिर्फ, उसने देखा है। रात का सुबह वाला गार्ड जब आया तो उसने देखा ऊपर आग लगी है। शास्त्रीपुरम साइट सी इंडस्ट्रियल एरिया में ही कृष्णलाल एंड सन से कुछ ही दूरी पर दूसरी DSM सुंदर पॉलीमर्स नाम की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस फैक्ट्री में TPR सोल, रबर सोल व लेदर सोल का काम होता है। ड्रम से केमिकल निकलते समय आग लगने से भगदड़ मच गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग से जटोरा का रहने वाला जितेंद्र, बोदला का रहने वाला गोविंद झुलस गए। उनको तत्काल अस्पताल में एडमिट कराया गया। आग इतनी भीषण थी कि केमिकल का ड्रम तेज धमाके के साथ फट गए। आग में लाखों के सामान के साथ टेम्पो जल गया और दीवारें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। आग फैलने की आशंका के चलते आसपास की अन्य फैक्ट्रियों में काम बंद कर दिया गया था। जी सर, ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन आग हम अपनी फैक्ट्री में थे तो आग के लपटें दिखाई दी और मतलब ड्रमों की आवाज आ रही। ये सर मुझे मालूम नहीं, वैसे सोल फैक्ट्री है, हो सकता है मतलब केमिकल के काम होते हैं। आग लगने के बाद कर्मचारी आग बुझाने में जुट गए। इसके साथ ही अंदर रखे केमिकल के ड्रम्स को बाहर निकालना शुरू कर दिया। अगर ड्रम बाहर नहीं निकाले जाते तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। आग लगने के बाद फैक्ट्री मालिक के रिश्तेदार और परिचित वहां पहुंच गए। इस फैक्ट्री में लाखों का नुकसान हुआ है। जिस समय आग लगी उस समय करीब 400 कर्मचारी काम कर रहे थे। FSO अमर सिंह पाल का कहना है कि रविवार रात से आज दोपहर तक कई जगहों पर आग लगने पर फायर कर्मियों ने पहुंचकर आग बुझाई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। देखिए, रात से जो सिलसिला जारी है आग लगने का, सबसे पहले नगला पद्मा में पड़ती है, जूते की फैक्ट्री थी, उसमें आग लगी थी। उसको पूर्ण रूप से बुझाने के बाद फिर दूसरी आग हमारी शास्त्रीपुरम फैक्ट्री एरिया में नीत इंटरनेशनल करके फैक्ट्री है, जिसमें कपड़े का, जूते में जो कपड़ा प्रयोग होता है उसकी फैक्ट्री थी। उस गोडाउन को बुझाने के बाद शास्त्रीपुरम के साइड सी में ही एक और फैक्ट्री है जो उसके सोल बनाती है, उसके केमिकल शू एडहेसिव में लगी थी, उसको भी समन किया गया। और बेनारा फैक्ट्री के पास NH पर, वहाँ भी जूते की फैक्ट्री में, वहाँ भी हमने क्रमवाइज गाड़ियाँ लगा करके अपने प्रशिक्षित कर्मचारियों के साथ। नगला बूढ़ी न्यू आगरा में ग्रीन गैस लाइन में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। फायर स्टेशन पर सूचना देकर क्षेत्रीय लोगों ने आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। दुकान घरों में आग फैलने की आशंका के चलते महिला पुरुष दहशत में आ गए, लेकिन फायर कर्मियों ने पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग कितनी लगी ये आप तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे बड़ा हादसा भी हो सकता था। अरतौनी में बेनारा फैक्ट्री में भी आग लगने पर फायर कर्मियों ने आग को बुझाया। समय पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंचती तो आग विकराल रूप धारण कर सकती थी। अग्निकांड के बाद गैस की आपूर्ति ठप हो गई। बताया गया है आग बुझाने में कुछ लोग झुलस भी गए हैं। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।